नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर बाद 3:34 तक रहेगी। आज दोपहर 12:47 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज शाम 7:25 तक आश्लेखा नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज व्रत की पूर्णिमा है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की, आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 फरवरी की रात 11:17 से अगली सुबह 6:27 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 फरवरी की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:28 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 फरवरी की सुबह 6:50 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 फरवरी की सुबह 6:51 से सुबह 10:47 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 फरवरी की सुबह 7:20 से दोपहर 1:09 तक, और एक बार फिर दोपहर बाद 3:23 से रात 10:17 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 24 फरवरी की रात 10:20 से भोर 4:37 तक, और एक बार फिर सुबह 6:20 से सुबह 6:51 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय कल यानी कि 24 फरवरी की शाम 6:02 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए।
अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर पहले 11:09 से दोपहर 12:34 तक, मुंबई दोपहर पहले 11:25 से दोपहर 2:52 तक, चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:11 से दोपहर 12:36 तक, लखनऊ सुबह 10:54 से दोपहर 12:20 तक, भोपाल दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 12:33 तक, कोलकाता सुबह 10:23 से दोपहर पहले 11:50 तक, अहमदाबाद दोपहर पहले 11:26 से दोपहर 12:53 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:54 से दोपहर 12:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आप किसी काम के बारे में नए सिरे से सोच सकते हैं। मार्केट में किसी तरह का निवेश करने जा रहे हैं तो पूरी तरह से रिसर्च के बाद ही निवेश करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लंबे समय के बाद खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। दूसरों का सहयोग करने पर आज सबके बीच आपकी छवि अच्छी बनी रहेगी। हर कोई आपसे प्रसन्न रहेगा। जो छात्र कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जल्द ही अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगे। शिक्षकों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी जरूरी काम या मीटिंग की वजह से आपको आउट ऑफ स्टेशन या फिर विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। ऑफिस में आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा काम मिल सकता है, लेकिन आप समय रहते सब कुछ अच्छे से निपटा लेंगे। इस राशि के जो लोग स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं उनके लिए दिन ज़्यादा लाभकारी रहेगा। आपको काम में ज़्यादा तरक्की मिलेगी। पुराने दोस्त से मुलाकात होने के भी संकेत बन रहे हैं। दोस्तों के साथ आज आप अच्छा समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है। जो छात्र सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे उसे समय रहते पूरा कर लें। ऑफिस में आपको किसी बड़े अधिकारी या सहकर्मी का सहयोग मिल सकता है। आज बैंकों से जुड़े कामों का निपटारा करने के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आपको सब लोगों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन शाम होते होते कुछ काम पूरे होने से रह सकते हैं। आज कोई भी जरूरी काम करने से पहले घर के बड़ों या किसी अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर ले लीजिए। आपके दिमाग में खुद ब खुद नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए दिन ठीक रहने वाला है। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की मदद मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। इस राशि के जो लोग जो छात्र विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं वो किसी से इस बारे में राय लीजिए। आज रुपए पैसों के लेन देन में भी आपको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी को पैसे उधार देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्यापार में आज अचानक आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। आज कोई भी काम करते समय आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, इससे आपको अपने काम में मदद मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपके काम जरूर सफल होंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी कन्या के लिए वर की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है। कन्या के लिए आपको सुयोग्य वर मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता आएगी। आप उनके साथ किसी ट्रिप पर जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं।
आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। बदलते मौसम का आपको ध्यान रखना होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज सबका दिन सामान्य रहेगा। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आने वाले समय में वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जो लोग टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। बिजनेस से जुड़े लोगों को कुछ बड़े प्रोजेक्ट आज मिल सकते हैं। आज अपनी वाणी पर संयम रखें। आपके मुंह से निकली हुई एक गलत बात आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। आज परिवार का माहौल ठीक रहेगा। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में आपको काम में किसी का सहयोग मिलेगा। जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाएं। आपकी सभी परेशानी दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन थोड़ा अच्छा रहेगा। आज आपको मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो एक बार जगह अच्छे से देख लें। किसी के साथ पार्टनरशिप के लिए दिन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन आज बेहतरीन रहने वाला है। बिजनेस में लेन देन का ख्याल रखें। कोई भी बड़ी डील करने से पहले सब कुछ अच्छे से जांच परख कर लीजिए। जो महिलाएं गृह उद्योग शुरू करना चाहती हैं उनको परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में उतारने में कामयाब रहेंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आज आपकी पार्टी आपको कोई बड़ा पद भी दे सकती है। जनता के बीच आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जो लोग लोहे के व्यापार से जुड़े हैं उनके व्यापार में वृद्धि होगी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को कोई काम मिल सकता है। इससे आप खुद के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी जरूरत है। आज किसी भी तरह की लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। जो लोग थोक विक्रेता हैं उनको आज विशेष लाभ होगा। किसी दूसरे शहर से सामान मंगवाना हो तो आज इससे जुड़े निर्णय ले सकते हैं। संपत्ति से जुड़े मामले में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जो लोग घर शिफ्ट करना चाह रहे हैं वो लोग आज शिफ्टिंग का कार्य शुरू करवा सकते हैं। अगर मन में कोई बात आपको परेशान कर रही है तो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करें, आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज घर और बाहर हर जगह आपकी तारीफ होगी। हर कोई आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। आज समाज से जुड़े कार्यों को करने के लिए दिन उत्तम है। आप किसी एनजीओ की शुरुआत या किसी सामाजिक संगठन से कर सकते हैं। आज ऑफिस में काम करने में आपका कोई सानी नहीं होगा। आपके जूनियर भी आपसे काम सीखना चाहेंगे। किसी काम के लिए आपको ऑफिस में अवार्ड भी मिल सकता है। छात्रों को आज किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को आज सफलता मिलेगी। आपको किसी बड़े ग्रुप से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर वालों के साथ गुजार सकते हैं। आप सबके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनेंगे। किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी दिन अच्छा है। आपकी पदोन्नति के आसार भी बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज चिड़ियों को दाना खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक पेड़ लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। इससे धन लाभ होने की उम्मीद बढ़ सकती है। मूलांक 2, आज आपका मन शांत रहेगा। ऑफिस में किसी काम को लेकर कन्फ्यूजन हो सकती है। मूलांक 3, आज रहन सहन में कुछ बदलाव होने से लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। मूलांक 4, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपके रुके हुए काम आज पूरे हो जाएंगे।
मूलांक 5, घर में आज खुशी का माहौल बना रहेगा, सभी सदस्यों में तालमेल की स्थिति बनी रहेगी। मूलांक 6, व्यापारी वर्ग से जुड़े लोगों को आज काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। मूलांक 7, आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है, अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मूलांक 8, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लें। मूलांक 9, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, ये खुशी आपके किसी करीबी रिश्तेदार के आने की होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने विभिन्न रंगों के महत्व के बारे में बात की थी। कल आपको पीले, हरे, लाल और गुलाबी रंगों के बारे में बताया था और आज हम इसी कड़ी में आगे के रंगों के बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले बात करेंगे नीले रंग का। नीला रंग आत्मिक शांति का प्रतीक है। अस्थमा, सिरदर्द, तनाव और हाई ब्लड प्रेशर में भी ये सहायक है। वहीं बैंगनी रंग उदासीनता को कम करता है, जबकि काला रंग अकेलेपन को बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र में अधिकतर इस रंग को अवॉइड ही किया जाता है। वहीं सफ़ेद रंग की बात करें तो ये शांति, सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। नारंगी रंग महत्वाकांक्षाओं व अहंकार में वृद्धि करता है, जबकि भूरा रंग निष्पक्षता को दर्शाता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर बाद 3:24 तक 3:34 तक रहेगी। आज दोपहर 12:47 तक शोभन योग रहेगा। इस योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस उद्देश्य से यात्रा की जाती है वो भी पूरा हो जाता है और व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही आज शाम 7:25 तक आश्लेखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेखा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेखा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आश्लेखा नक्षत्र की राशि कर्क है। आश्लेखा नक्षत्र के स्वामी बुध है। पेड़ पौधों में आश्लेखा नक्षत्र का संबंध नाग केसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आश्लेखा नक्षत्र के दौरान नागकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब बात करेंगे आज व्रत की पूर्णिमा के बारे में। आज व्रत की पूर्णिमा मनाई जाएगी। दरअसल माघ महीने की पूर्णिमा इस बार 2 दिनों की पड़ रही है और आप जानते ही हैं कि जब पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तब पहले दिन व्रत आदि की पूर्णिमा और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाती है। बता दूं कि जिस दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा उदय होता है उसी दिन व्रत की पूर्णिमा मनाई जाती है और आज आकाशमंडल में पूर्ण रूप से चंद्रमा उदीयमान रहेगा। पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय के समय स्नानदान का महत्व बताया गया है और पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय कल होगा, लिहाजा स्नानदान की पूर्णिमा कल मनाई जाएगी। कहते हैं पूर्णिमा के दिन श्रीहरि विष्णु जी स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। माना जाता है कि पूर्णिमा पर दिए गए दान दक्षिणा का फल कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद तिल, गुड़, कपास, घी, फल, अन्न, कंबल, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। साथ ही किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन सबसे अधिक प्रयागराज में स्नान दान का महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। तो ये थी व्रत आदि की पूर्णिमा की चर्चा। और अब बात करते हैं आज शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और उनके निमित्त क्या उपाय करने हैं इसकी चर्चा। लेकिन इससे पहले व्रत और दान के बारे में दो एक बातें और। देखो, जब आप प्रकृति को साक्षी बनाकर कुछ दान करते हैं तो प्रकृति उसको नोट करती है। वो जो कंप्यूटर है जिसे हम ऋतिक कहते हैं, वो जो इन सभी ऋतुओं को चलाता है, वो जो सब कुछ करने वाला है, जो सबका नियम रखता है, जो हर चीज़ एक परफेक्ट, अपने शरीर को लीजिए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, अभी केवल लीवर अगर बनाना हो तो 7 मंजिल की इमारत बनानी पड़ेगी, इतना छोटा सा लीवर है हमारा। हार्ट की फंक्शनिंग को देखिए, ऐसी जो नेचर की फंक्शनिंग है वो, उस नेचर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती।
लेकिन वो हैं, इसे हमारी ऋषियों मनीषियों ने पहचाना था, इसका लाभ लिया था, इसीलिए कभी हमारी जीडीपी दुनिया की सबसे अच्छी जीडीपी हुआ करती थी। तो तीर्थों के मुताबिक वो जो दान धर्म जो करने का विधान है, जो दान देने का विधान है, कहते हैं कि जब आप कुछ विशिष्ट अवसरों पर दान करते हैं, सवाल यह है रोज क्यों नहीं दान करने को कहा जाता। वैसे तो आप नित्य दान करें बहुत अच्छा, हर दान आपको फायदा करेगा, लेकिन ये ज्योतिर्वेद यानी ज्योतिष ये पहचान कर कि किस समय दान करने से विशेष लाभ मिलेगा ये आपको बताता है। देखो एक पश्चिमी विद्वान ने लिखा कि इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने 15 दिन खाने के लिए पितृपक्ष का निर्माण किया था, जिस देश की जीडीपी उस जमाने में विश्व में सबसे अच्छी हो, और जिस देश का ब्राह्मण जिस राजा के पास चला जाता हो और जो कह देता हो वो आज्ञा पूरी होती हो, वो ब्राह्मण अपने 15 दिन के भोजन के लिए ऐसा इंतजाम करेगा। तो जो दान का ये हिसाब किताब है, इससे आप एक पर्टिकुलर टाइम में जो कुछ भी देते हैं वो कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। अब सवाल ये है किसको देना चाहिए। अब जैसे ग्रहण में हम हमेशा कहते हैं केवल सफाई कर्मी को दीजिए, कई दान ऐसे हैं जो हम कहते हैं केवल बहन को दीजिए, कई दान ऐसे हैं जो हम कहते हैं केवल बहन के बच्चे को दीजिए, बहन के बच्चे को दान करने से ही वो पुण्य फल प्राप्त होगा आपको। वैसे ही बहुत से दान ऐसे हैं जो ब्राह्मणों को और सन्यासियों को और उन लोगों को जिनके घर नहीं है उनको देना चाहिए। यहाँ होमलेस शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ गृह त्याग शब्द इस्तेमाल होता है। वन हु हैज लेफ्ट द हाउस, वो होमलेस नहीं है, उसके पास होम है। होमलेस पश्चिमी देशों में होते हैं, इंडिया में नहीं होते होमलेस। इंडिया में तो लोग घर का परित्याग कर देते हैं, वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, वैराग्य कर लेते हैं। वैराग्य की कोई भावना पश्चिम में नहीं, वैराग्य का कंसेप्ट ही नहीं। उन लोगों को दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। अब लोग कहते हैं ना अरे इतनी मोटी मोटी तोंद वाले ब्राह्मण, अरे भैया ये मोटी तोंद वालों में ही इन्हीं का डीएनए में वो दम है जो कह दे तथास्तु मेरे बच्चे, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, और कहने मात्र से कल्याण हो, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कहते। पद्म पुराण में एक जगह महात्मा कहा गया, तो माता लक्ष्मी ने श्री विष्णु से पूछा कि आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप इस जगत का कल्याण करते हैं, मैं तो सदैव आपके चरण दबाती रहती हूँ और आप सोते रहते हैं, तो भला सो करके आप जगत का कल्याण कैसे करते हैं। तो श्री विष्णु ने कहा कि हे देवी, मैं सोता नहीं, अभी तो मैं उस परम तत्व का चिंतन करता हूँ, उस परम आत्मा का चिंतन करता हूँ, उस परमात्मा का चिंतन करता हूँ, जिसका चिंतन करने मात्र से ही योगी परमात्मा को तार्किक तर्क से जैसे अपना प्राप्त करता है, वैसे ही मैं अपने चिंतन मात्र से इस जगत का पालन करने में सक्षम होता हूं। तो चिंतन करने मात्र से भी कोई जगत का पालन करने में सक्षम हो सकता है, इस कंसेप्ट को हमारे षट दर्शन ने बहुत पहले पहचान लिया था, और मुंह से कहकर किसी का कल्याण करने की सामर्थ्य किसी डीएनए में है, उस डीएनए को भी हमारी संस्कृति ने बहुत पहले पहचान लिया था। तो जिनके डीएनए में ये सामर्थ्य है उनको ही ये दान देने चाहिए, और दान अवश्य देना चाहिए। दिया गया दान प्रकृति कई गुना करके आपको वापस कर देती है। अब आगे चलते हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन बाजार से माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई एक तस्वीर लाएं और अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी माँ को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख बना रहेगा। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और आज पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए, साथ ही देवी माँ को घी और मखाने का भोग लगाना चाहिए
और उनके आगे हाथ जोड़कर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लेकर और उसे चावल से भर लें। चावल के ऊपर 1 रुपये का सिक्का और 1 हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा में खूब बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए आज के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं और आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी माँ को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी दही चीनी खाकर पानी पीकर घर से बाहर जाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले आना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। आज के दिन आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाने के कई मौके मिलेंगे। अगर आपके बच्चों की तरक्की में आर्थिक रूप से किसी प्रकार की बाधा आ रही है और आपको किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन हो सके तो 11 कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए। अगर 11 को न खिला सकें तो 9 कन्याओं को खिलाना चाहिए, नहीं तो 7 कन्याओं को खिलाइए, नहीं तो 5 कन्याओं को खिलाइए, वो भी ना हो सके तो 1 ही कन्या को खिलाइए। देखिए, ये आपकी श्रद्धा पर और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कितनी कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लेना ना भूलें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की तरक्की में जो भी आर्थिक बाधा आ रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का संचार करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। फिर दाहिने हाथ पे फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें और उन्हीं फूलों के ऊपर एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर रुई की बत्ती लगाकर जोत जलाएं, साथ ही देवी माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का संचार होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी की खूब तरक्की हो, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद देवी लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं। आज के दिन आपको इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन की खूब तरक्की होगी और आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आप जीवन में अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पर स्टैंड कराना चाहते हैं, एक अच्छी जगह लाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं, साथ ही दूध चावल की खीर बनाकर उससे देवी माँ को भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में खीर को छोटे बच्चों में बाँट दें और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद खा लें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने जीवन में एक बेहतर स्थिति में होंगे, आपका स्तर बेहतर होगा और आप अच्छी जगह खड़े व्यक्ति समझे जाएंगे, माने जाएंगे और हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद 1 कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाइए, फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। आज के दिन ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरियाँ हमेशा धन से भरी रहेंगी। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेनी चाहिए और उन्हें अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने में एक लकड़ी की चौकी पर किसी बर्तन में स्थापित करना चाहिए। फिर उन्हें दूध से स्नान कराना चाहिए, इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर उन मूर्तियों को बर्तन में से निकालकर
कपड़े से पोंछकर अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए और बर्तन में पड़े पानी और दूध को पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात करेंगे आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात। गुजरात के वडोदरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर पावागढ़ नाम की पहाड़ी पर माता महाकाली का सिद्ध पीठ है, जिसे पावागढ़ शक्तिपीठ कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ सती माता के वक्षस्थल गिरे थे। इस मंदिर में माँ काली की दक्षिणमुखी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ माता के स्वरूप को काफ़ी जागृत कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली माँ की तपस्या की थी और उन्होंने ही माँ की मूर्ति यहाँ स्थापित की थी। उन्हीं के नाम पर यहाँ पास में बहने वाली नदी का नाम विश्वामित्री पड़ा। मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र लव और कुश कई ऋषियों और बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। तो आप भी कीजिए इस दिव्य शक्तिपीठ के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी कि एक के ऊपर एक चढ़े हुए दांत वाले लोगों के बारे में, और आज हम बात करेंगे ऊपर की तरफ उठे हुए दांतों के बारे में। कई लोगों के मुंह के ऊपर वाले दांत की ऊपर वाली पंक्ति के दांत सीधाई में तो होते हैं, लेकिन थोड़े ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन भी उनके दांतों की तरह उठा हुआ यानी ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। जिनकी ऊपर वाली पंक्ति के सभी दांत या कुछ दांत ऊपर की तरफ उठे होते हैं, वे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। ये लोग नौकरी से अधिक अपना खुद का बिजनेस करते हैं और खूब धन अर्जित करते हैं। समाज में इनका सम्मान बना रहता है और ये अपने काम को चतुराई से करते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर बाद 3:34 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 6 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही पूर्णिमा तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज नया बर्तन घर लाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।